नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, सभी को खामोश करने वाले शॉटगन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा का हाल ही में एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज की तारीख में बॉलीवुड के किसी भी स्टार में, किसी भी बड़े स्टार में ऐसा दम नहीं है कि वो अपने दम पर दर्शकों को थिएटर तक खींच सके, ऐसा बयान उनका है। तो आज इसी बयान के संदर्भ में मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे कि क्या वास्तव में उनका कहना सही है। तो दोस्तों, उनकी बातों से मैं काफी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने पूरी स्टडी की है कि इस वर्ष विशेषकर 2022 में जितने भी बड़े बड़े कलाकारों की फिल्में आई है वो बॉक्स ऑफिस पर ऑन द मूव गिरी है, फ्लॉप साबित हुई है। और कोई भी कलाकार, कोई भी स्टार है, वो अपना स्टार पावर नहीं दिखा पाया, अपना सुपर स्टारडम नहीं दिखा पाया, कोई भी फिल्म नहीं चली। जबकि दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, जब अमिताभ बच्चन का सुपर स्टारडम हुआ करता था, राजेश खन्ना का सुपर स्टारडम हुआ करता था, तो दोस्तों उस समय बुरी से बुरी फिल्म भी, फ्लॉप फिल्म भी काफी अच्छा बिजनेस कर लेती थी। कम से कम वीकेंड तक तो फिल्म सितारों के नाम पर मतलब फिल्म देखने जाते थे। और आज भी आप ये बात देख सकते हैं कि साउथ के स्टार्स की जब फिल्म रिलीज होती है तो दोस्तों पब्लिक किस प्रकार से टूट पड़ती है, चाहे वो बेकारी फिल्म हो, फ्लॉपी फिल्म क्यों नहीं हो, लेकिन वो ओपनिंग तो बहुत ही जबरदस्त लेती है। ये ट्रेंड आज भी साउथ में चल रहा है, साउथ के स्टार्स में आज भी ये स्टार पावर देखने को मिलती है, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स में ऐसी पावर अभी देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है। चाहे दोस्तों आप शाहिद कपूर की बात कर लीजिए, शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी आई थी, कहा गया था कि शाहिद कपूर बहुत बड़े स्टार है, उनकी पिछली फिल्म कबीर सिंह ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, तो वो स्टार पावर के कारण फिल्म काफी बड़ा बिजनेस करेगी, लेकिन फिल्म की ओपनिंग भी इतनी कम रही थी, मतलब 3.5 करोड़ के करीब शायद उसकी ओपनिंग रही होगी पहले दिन की, मुझे ढंग से याद नहीं है। और दोस्तों उसके बाद में कहा गया था कि अक्षय कुमार जो सबसे बड़े सुपर स्टार है उनकी फिल्म आ रही है बच्चन पांडे, तो बच्चन पांडे का भी क्या हाल हुआ था आपको पता है। हालांकि ओपनिंग फर्स्ट डे ली थी फिल्म ने ठीक ठाक, लेकिन उसके बाद में फिल्म कितनी बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। यही नहीं, रक्षाबंधन तथा सम्राट पृथ्वीराज को भी अक्षय कुमार ओपनिंग नहीं दिलवा पाए थे। रक्षाबंधन की ओपनिंग तो बहुत ही कम रही थी, सम्राट पृथ्वीराज की भी ओपनिंग अपेक्षा से बहुत ही कम रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे अक्षय कुमार भी फेल हो गए थे फिल्म को मतलब अच्छी ओपनिंग दिलाने में। वही दोस्तों बात की गई थी कि उसके बाद में कि आमिर खान सबसे बड़े स्टार आ रहे हैं, लाल सिंह चड्ढा 4 साल बाद में आ रहे हैं, तो उनकी फिल्म तो ब्लॉकबस्टर होगी, बहुत ही खतरनाक ओपनिंग लेगी। क्या हुआ था लाल सिंह चड्ढा का आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बड़ी मुश्किल से फिल्म डबल डिजिट तक पहुंच पाई थी पहले दिन तक, और फिर बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। इसके अलावा दोस्तों आप बात कीजिए रणवीर सिंह की, रणवीर सिंह को बोला जाता है कि आज के सबसे बड़े स्टार है रणवीर सिंह, उनकी जैस भाई जोरदार का क्या हुआ था, कितनी बेकार बिजनेस उसने बॉक्स ऑफिस पर किया था आपको पता ही है। रणवीर कपूर का देख लीजिए सबसे रंग में उनका क्या हाल हुआ था, जबकि कहा गया था कि संजू के बाद में उनकी फिल्म आ रही है और ये ब्लॉकबस्टर होगी, रणवीर कपूर है बहुत ही बड़े स्टार है, बहुत बड़े ओपनर है, क्या हुआ था उस फिल्म का। उसके बाद में दोस्तों आप रणवीर कपूर की अगली फिल्म ब्रह्मास्त्र आई थी, हालांकि ब्रह्मास्त्र ने अच्छी ओपनिंग ली थी फर्स्ट डे के लिए, लेकिन आज भी फिल्म मतलब सफल है या असफल है इसके बारे में बहस जारी है मीडिया में, क्योंकि फिल्म का बजट 410 करोड़ रुपए बताया गया है विकिपीडिया पर ऑफिशियल बजट, और फिल्म अभी तक अपने बजट के आसपास भी नहीं पहुंची नेट कलेक्शन के आधार पर, नेट कलेक्शन के आधार पर बजट से काफी दूर है फिल्म, 340 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन अभी तक फिल्म का हुआ है, और ये लाइफ टाइम कलेक्शन भी हो सकता है फिल्म का। तो दोस्तों कहाँ अपने बजट तक पहुंची है फिल्म अभी तक, इतने बड़े स्टार अगर रणवीर कपूर है और उसमें तो शाहरुख खान का कैमियो भी है, सुपर स्टार अमिताभ बच्चन भी है, साउथ के सुपर स्टार नागार्जुन भी है, इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद अगर फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन 450 करोड़ रुपए के आसपास आता है, 425 करोड़ के आसपास आता है, तो दोस्तों कहाँ ये स्टार पावर आपको नजर आती है। इसके अलावा भी आप दोस्तों किसी भी स्टार की बात कर लीजिए, चाहे वो वरुण धवन हो, चाहे आयुष्मान खुराना हो, इसके अलावा और भी कई स्टार्स की फिल्में इस साल रिलीज हुई है, लेकिन कोई भी स्टार अपनी काबिलियत, अपना दम बॉक्स ऑफिस पर दिखा नहीं पाया है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, शाहरुख खान की अभी कोई बड़ी फिल्म नहीं आई है तो उनके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता, कई फिल्मों में उनके कैमियो जरूर आए हैं लेकिन उनकी कोई अभी सोलो रिलीज आई नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जॉन अब्राहम की फिल्में आई थी और बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी आपको पता ही है। इसके अलावा दोस्तों सलमान खान की कोई बड़ी फिल्म नहीं आई थी, हालांकि उनकी पिछली फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित नहीं हो पाई थी, और गॉडफादर फिल्म में उनका कैमियो होने के बावजूद हिंदी वर्जन में ये फिल्म दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पा रही है, बहुत कम कलेक्शन इस फिल्म के हिंदी वर्जन से आ रहे हैं, तो यहाँ पर सलमान खान का जादू भी उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋतिक रोशन की विक्रम वेद आई है आपके सामने अभी, और वो भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो चुकी है, अभी तक फिल्म का कलेक्शन 70 करोड़ रुपए इंडिया नेट हुआ है, 175 करोड़ रुपए फिल्म का बजट है। तो और कौन से स्टार्स के बारे में मैं आपको बताऊं, किसी भी स्टार्स को आप देख लीजिए, कोई भी स्टार बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाया है, कोई भी स्टार में वो पावर नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पे सही कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों
किसी भी स्टार ने वो पावर नहीं दिखाया कि वो अपने दम पर फिल्म की ओपनिंग करा दे, जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और कुछ हद तक उसके बाद में शाहरुख खान भी कई दिनों तक बड़ी ओपनिंग फिल्म को दिलाते थे, वैसी कोई बात अभी तक नजर नहीं आ रही है किसी भी स्टार में। तो सत्यम सिन्हा के कथन से इस बारे में सहमत हो सकते हैं आप? द कश्मीर फाइल्स, उसमें कोई बड़ा स्टार नहीं था, उसके बावजूद फिल्म ने कितना जबरदस्त कलेक्शन किया था, ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके अलावा आपको भुलभुलैया 2, जिसमें कार्तिक आर्यन है, उनको बड़ा स्टार नहीं माना जाता है, आउटसाइडर माना जाता है बॉलीवुड का, लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई है। और भी दोस्तों, साउथ के स्टार किस प्रकार से अपनी फिल्मों को ओपनिंग दिलाते हैं आप जानते ही हैं, कितने जबरदस्त ओपनिंग उनकी फिल्में लेती है, यहाँ तक कि आजकल तो हिंदी बेल्ट में भी उनकी फिल्में जबरदस्त ओपनिंग लेती है। ऋषभ शेट्टी की फिल्म आप देख लीजिए, अभी आ रही है कांतारा, कितना जबरदस्त वो कलेक्शन कर रही है। RRR, KGF चैप्टर 2, विक्रम, इसके अलावा दोस्तों 777 चार्ली, और अभी जो कार्तिकेय आई थी, कौन से उसमें ऐसी बात थी कि उन फिल्मों ने इतनी बड़ी ओपनिंग ली, इतनी बड़ी मतलब एक कमाई की, और क्यों बॉलीवुड के स्टार कमाई नहीं कर पा रहे, क्यों ओपनिंग नहीं दिलवा पा रहे हैं? तो सत्यम सिन्हा के कथन से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आप अपनी राय बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या वास्तव में बॉलीवुड स्टार का क्रेज खत्म हो गया है, उनकी स्टारडम खत्म हो गया है, उनकी स्टार पावर खत्म हो गई है, या बॉलीवुड को अपने कंटेंट पर ध्यान देने की जरूरत है, एक हमारे जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप और एक देसी फिल्म बनाने की जरूरत है जिसमें हमें हमारी सभ्यता संस्कृति की झलक देखने को मिले, हम उस फिल्म से रिलेट कर पाए, हमें उस फिल्म को देख करके गर्व महसूस हो, ना कि हमारी संस्कृति का फिल्मों में मजाक उड़ाया जाए। इन सब के बारे में आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके वैसे बताइएगा। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।